तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइस आज हम लोग एक नई सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस इस सीरीज को आप सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए PYR गेमर्स। तो गाइस आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो गाइस आज के हम मैं थोड़ा टेक्नो गेमर्स से इंस्पायर्ड हूँ, तो मैं बस उन्हीं की तरह एक अच्छा सा एक कैसल बनाऊंगा। तो कैसल के लिए मैंने जगह वगैरह सब ढूंढ लिया है, और इधर ये चिकन्स क्या करिए, इनको पका के खा लो भाई। ठीक है, सॉरी गाइस, वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं चिकन वगैरह नहीं खाता हूँ, पर गाइस मैंने एक अच्छी सी जगह ढूंढ लिया है जहाँ पर अपन कैसल बना सकते हैं। तो वैसे ये कैसल बनाने के मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट जगह रहेगी, तो मैं यहाँ पर अभी स्टेयर्स बना लेता हूँ यहाँ पे। ओ हो, अपन को पहले वुड इकट्ठा करनी पड़ेगी क्योंकि अपन को क्राफ्टिंग टेबल बनाना है एक, और उसके बाद अपन को एक पिकेक्स बनाना है। पिकेक्स बनेगा क्राफ्टिंग टेबल, सो क्राफ्टिंग टेबल बनेगी वुड से। तो अपन अब वुड इकट्ठा कर लेते हैं अच्छी खासी, ताकि अपने क्राफ्टिंग टेबल बना पाए और अपन स्टोन पिकेक्स बना पाए, अपन एक वुड पिकेक्स बना पाए, ताकि अपन वो कर सकें, ताकि अपन ऐसे ही जो ये स्टोन्स होते हैं ये क्राफ्ट वो वुड पिकेक्स से ही टूटते हैं, इसलिए अपन वो पूरा तोड़ वगैरह पाए। तो गाइस अभी मैं एक अच्छी खासी वुड इकट्ठा कर लेता हूँ यहाँ पे। अजीब से पेड़ आ रहे हैं, तो पता नहीं क्या हो रहा है। ये मेरे पास ठीक है, वुड इकट्ठा हो चुकी है अच्छी खासी, वैसे ज़्यादा तो नहीं पर अभी स्टार्टिंग के लिए बहुत है। तो वैसे अपन वापस चलते हैं अपन उधर की तरफ, अपने कैसल की तरफ जहाँ पे अपन अपना कैसल बनाएंगे। तो अपन चलते हैं उधर ही, तो यहाँ पे मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना रहा हूँ। क्राफ्टिंग टेबल के आपको ओक लॉग चाहिए होंगे, और उसके बाद आपको बनाने होंगे ओक प्लैंक्स। तो ओक प्लैंक्स बना लिया आपने, तो ओक प्लैंक्स को आप ऐसे चारों ब्लॉक्स में रख देना, आपको इनको ऐसे चारों ब्लॉक में रख देना है, और ये बनकर अपना क्राफ्टिंग टेबल। तो चारों ब्लॉक्स में रख दोगे तो क्राफ्टिंग टेबल बन जाएगा। तो ये क्राफ्टिंग टेबल अपना बन चुका है, तो मैं चलता हूँ अभी उधर की तरफ क्योंकि यहीं पे मैं बनाऊँगा। तो मैं क्राफ्टिंग टेबल को यहीं पे रख देता हूँ, ये बेटर ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे अपन बना लेते हैं एक, अपन पहले बनाते हैं ओक प्लैंक्स चाहिए होंगे अपन को, अपन को स्टिक चाहिए, नहीं अपन को स्टिक चाहिए क्योंकि उसके पिकेक्स के अंदर स्टिक भी तो लगती है, इसलिए अपन को स्टिक चाहिए। स्टिक कैसे बनाते हैं भाई, भूल गया मैं तो। मैं अभी बुक के अंदर चलता हूँ, बुक। तो अपन को स्टिक के लिए चाहिए ओक प्लैंक्स चाहिए होंगे अपन को। तो गाइस ये मैं ले लेता हूँ ओक प्लैंक्स, तो ओक प्लैंक्स मैंने ले लिए हैं, ये बन गया अपनी स्टिक। तो स्टिक बन गई, तो अपन चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल के अंदर, और इधर अपन रख देते हैं ऑक प्लैंक्स। ओ गाइस ऑक प्लैंक्स वापस चाहिए, सच में क्या हो गया है, इनको वापस ऑक प्लैंक्स चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऑक प्लैंक्स रख देता हूँ, तो इधर कैसा रखूँ, 2 मिनट गाइस। हाँ तो ये मैंने ऑक प्लैंक्स बना लिए हैं। चलो अब क्राफ्टिंग टेबल के अंदर चलते हैं अपन, और आप अपने ओक प्लैंक्स रख देते हैं। तो ऐसे ऐसे ओक प्लैंक्स रखने के बाद आपको ऐसे स्टिक्स रखने हैं, और स्टिक्स रखने के बाद बस बन गए अपने वुडन पिकेक्स। तो अभी रात भी हो रही है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे एक और खड्डा करके एक और पूरी रात इधर ही रह जाता हूँ, ताकि कोई मीन्स जॉम्बीज वगैरह है तो मुझे कुछ हो ना। तो एक अभी अभी के लिए मैं खड्डा करके इधर ही सोने वाला हूँ, सोने के पूरी रात जग के बस बैठा रहूँगा। तो गाइस बस हो गया। तो गाइस मैंने थोड़ी बहुत रात को माइनिंग भी की, उसके बाद दिन होने के बाद मैंने थोड़ा ऐसे करके मेरा थोड़ा बहुत ऐसे फ्रेम बना लिया मेरे कैसल का। स्टेयर्स भी बहुत सही लग रही है गाइस मुझे तो सच में। और उस बाद मैंने मेरा ये क्राफ्टिंग टेबल इधर रख दिया। अभी अपन चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल के अंदर, और मैं बनाने वाला हूँ वो टॉर्च।
टॉर्च, क्यों टॉर्च बहुत काम आती है गाइस, सच में आपको बता दूं, टॉर्च से ही तो लाइट होती है रात को। सच में मैं जब ऐसे स्टेयर्स बना रहा था, मैंने स्टेयर्स रात को बनाई है, तो सच में बहुत अंधेरा था, और पहले मुझे अब ऊपर का जाना पड़ रहा था, उसके बाद मैं कर रहा था। और गाइस ऐसे रात को मुझे शीप भी मिली, तो मैं शीप से ये वूल इकट्ठा कर लिया, तो मैं अभी बनाने वाला हूँ बेड। तो आपको बेड के लिए पहले ऐसे वूल रखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ऐसे जो ऑट प्लैंक्स होते हैं वो रखने पड़ेंगे, ऐसे पहले ऊपर 3 वूल, उसके बाद नीचे 3 ऑट प्लैंक्स, तो ये बन गया अपना बेड। तो ऐसे बेड बना सकते हो आप भी। तो ऐसे मैंने बना लिया है, तो ये सब मैं इधर रख देता हूँ। तो गाइस अभी अपन को चाहिए होगा ये, और इससे अपन और बना लेते हैं, और अपन ऐसे और प्लैंक्स बना लेते हैं। तो ऐसे और प्लैंक्स बना के मैं पता क्या करने वाला हूँ, मैं बनाऊँगा एक चेस्ट। तो ऐसे ये और प्लैंक्स बना लेते हैं, तो ऐसे हो गया ये। उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्लैंक्स लेने और इसके अंदर रख देना, आपको ऐसे इसके अंदर रख देना है। गाइस मैं बता देता हूँ आपको, पहले ऐसे कर लेना, उसके बाद ऐसे बस बीच का खाली रखना, उसके बाद बाकी के साइड्स आपको भर देने, और बस बीच का जो ब्लॉक होता है वो आपको खाली रखना है। तो वैसे मैं बीच का ब्लॉक खाली रख के यहाँ पर रख देता हूँ, ये बन गया अपना चेस्ट। तो वैसे आप भी ऐसे मेरा ये जो ट्यूटोरियल वीडियो है ये देख के आप अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेस्ट रख देता हूँ, बस गाइस अपना बस यहाँ पे मैं गेट बनाऊंगा। तभी यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ, मैं यहाँ ये ऊपर ही लेके चलता हूँ, वहाँ पे ऊपर बैट भी लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे। ये बस टूटने वाला है, तो ये टूट गया, ओके ये टूट गया। तो अपन चलते हैं ऊपर, बस ऊपर आने वाला हूँ। तो गाइस मैं ऊपर आ गया, यहाँ पे कई रात को स्नोफॉल भी बहुत हो रहा था, तभी गाइस देखिए कितनी स्नो इकट्ठा हो गई है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ मेरा ये क्राफ्टिंग टेबल, उसके बाद मैं चेस्ट इधर रखूँगा। मैं चेस्ट किधर गया, अच्छा इन्वेंटरी के अंदर है, तो मैंने यहाँ से चेस्ट ले लिया, तो चेस्ट मैं इधर रख देता हूँ। तो गाइस देखिए मैंने इधर रख दिया है, और यहाँ पे मैं दोनों साइड रूम बनाऊंगा, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ऐसे करूंगा भी। तो गाइस अपन चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि अपन को चाहिए और अपन को और वुड चाहिए होगी, क्योंकि वुड्स गाइस सच में बहुत काम आती है गाइस। तो मैं बाहर चलता हूँ, और वहाँ पे सामने मुझे पेड़ भी दिख रहे हैं, तो इन पेड़ की सारी वुड मैं लेके जाने वाला हूँ। ये सामने वाला पेड़ गाइस कितना लंबा है, देखते इसके अंदर से कितनी वुड मिलती है अपन को। गैस ये मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, गैस सच में बहुत लंबा पेड़ है ये, पता नहीं मैं इसकी पूरी पूरी वुड ले भी पाऊंगा या नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैंने अभी सारी वुड ले ली है, पर ये ऊपर वाली रहेगी इतनी तो मेरी हाइट ही नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन चलते हैं यहाँ से भी वुड ले लेते हैं अपन। और गाइस मेरे पास स्टोन भी अच्छा खासा हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक स्टोन पिकेक्स भी बना लूँ, और उसके बाद अपन करेंगे माइनिंग करेंगे। अपन कैसल थोड़ा बहुत बाद में बनाएंगे, पर अपन माइनिंग करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का अपन माइनिंग करेंगे, और इधर उधर चीज़ें ढूंढेंगे, रिसोर्सेज ढूंढेंगे। तो गाइस ये सॉन्ग कहाँ से बजने लगा, माइनक्राफ्ट में भी सॉन्ग बजते हैं गाइस, ये पता ही नहीं था। तो मैं चलता हूँ वापस, तो इधर आ गया मैम, मुझे पता ही नहीं था कि माइनक्राफ्ट में भी सॉन्ग्स बजते हैं। ये मैं पिकेक से हटाना पड़ेगा, ये मैं अभी पिकेक से हटा देता हूँ पूरा। ओह एरोप्लेन जा रही है गाइस मेरे घर के पास में से, मेरे घर के पास में ही है, एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, तो एरोप्लेन की आवाज़ वगैरह आती रहती है ज़्यादातर। तो अभी मैं चलता हूँ ऊपर,
तो गाइस ये देखो अपना ऐसे कैसल बनेगा, तो अपन इसके अंदर चलते हैं। क्राफ्टिंग टेबल के अंदर अपन बनाएंगे एक स्टोन पिकेक्स। तो गाइस मुझे अभी स्टिक चाहिए होगी मेरे पास, क्योंकि एक स्टिक है। तो अपन वापस चलते हैं बाहर, इधर से अपन स्टिक ले लेते हैं, इस पॉस लॉग लॉग ले लेते अपन, इससे ऐसे अपन स्टिक बनाएंगे। तो कैसे, वो अपन को प्लैंक्स चाहिए होंगे। नहीं प्लैंक्स बन गई है ऐसे स्टिक, पता ही नहीं था मुझे। चलो अपन ने स्टिक तो बना लिया, अब अपन बना लेते हैं एक स्टोन पिकेक्स, क्योंकि स्टोन पिकेक्स भी बहुत काम आएगा। ऐसे रख लेते हैं, उसके बाद अपन स्टिक को ऐसे रख लेते हैं। अपन के बन गई है स्टोन पिकेक्स, तो स्टोन पिकेक्स को अपन ले लेते हैं। दो दो बन गए, पर मुझे तो अभी एक ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अभी बनाने वाला हूँ, चलो कोई नहीं। अच्छा ठीक है, तो गाइस अभी मैं यहाँ पे कुछ डेकोरेशन वगैरह कर देता हूँ, मतलब पार्टीशंस बना देता हूँ अलग अलग रूम। तो गाइस यहाँ पे मैं यहाँ पे बनाऊँगा अलग अलग रूम बनाऊँगा मैं इधर। तो पहले पहले बेड लगाऊँ, पहले रूम बनाऊँ? पहले रूम बना लेता हूँ, उसके हिसाब से बेड लगाऊँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं ऐसे लगा देता हूँ। गाइस मैं बस लगा लिया मैंने। तो गाइस ये मैंने यहाँ पे एक पार्टीशन बना दूंगा, और गाइस मैंने यहाँ पे बना दिया पार्टीशन, और यहाँ पे अपन बेड लगाएंगे एक अच्छा खासा, और बेड पे अपन सोएंगे, मस्ती करेंगे, बस कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेड ले लेता हूँ, और मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ। तो वैसे यहाँ पे मैं बेड लगा देता हूँ। तो वैसे देखिए स्टोन भी तो, ये स्नो भी तो बहुत इकट्ठा होगी, तो मुझे ये सारी स्नो भी निकालनी पड़ेगी। तो सच में बहुत काम करना पड़ेगा अपन को, सच में बहुत ही काम अपना। तो यहाँ पे एक ही बेड हुआ है, तो अपन को साइड के लिए एक और बेड चाहिए होगा। तो यहाँ के लिए अपन एक और बेड ढूंढेंगे। गाइस मेरे पास एक ब्लैक होल भी पड़ी थी, तो उससे बनता है नहीं देखता, बनता है या नहीं बनता वो भी अपन देखेंगे। तो पहले तो मैं अभी ये कवर कर देता हूँ पूरा का पूरा ऐसे, ठीक है। तो ये मैं अभी गाइस कवर कर देता हूँ। मेरा कैसल अभी तो सच में बेकार लग रहा, पर जब पूरा बनेगा ना तो गाइस सच में शानदार लगेगा। और मैं टेक्नो गेमर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो मैं उनके वीडियो भी बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो टेक्नो गेमर, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन जाती है तो प्लीज़ यार मुझसे कॉन्टेक्ट करो, बिकॉज आई एम योर बिगेस्ट फैन फैन एवर, ठीक है। तो गाइस अभी मैं देख लेता हूँ कि ये वाइट वूल से लगती है या नहीं। तो मैं यहाँ पे ब्लैक वूल रख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे वाइट वूल, और उसके बाद मैं ये प्लैंक रख लेता हूँ। नहीं गाइस इससे तो नहीं बना, कुछ नहीं बना। तो ब्लैक वूल इधर रखता हूँ, इससे भी नहीं बना आई थिंक। नहीं, बन रहा। तो गाइस ये कलरफुल, वो कलरफुल बनाने के लिए चाहिए अलग अलग चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें क्या होती है मुझे खुद को नहीं पता, तो देख लूँगा मैं, इंटरनेट पर सर्च करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा। और गाइस रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ओह मैंने अभी तक गेट नहीं बनाया सामने के लिए, तो मैं ऊपर चलता हूँ और एक गेट बना लेता हूँ। तो गाइस गेट बनाने के लिए आपको वापस वही प्लैंक्स चाहिए होंगे, और प्लैंक्स को आपको क्या करना है, प्लैंक्स ले लेना, उस उन प्लैंक्स को आपको ऐसे रख देना है। तो ऐसे आप प्लैंक्स रख दोगे और आपके बन गया ये गेट। तो मैं तीन तीन गेट अभी बन चुके हैं। तो मैं चलता हूँ नीचे और बना लेता हूँ और लगा देता हूँ ये सभी गेट, ठीक है। तो अपन चलते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस मुझे ऐसा नीचे जाने में। पट 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 पहुँच गए अपन, नीचे पहुँच गए। तो ऐसे यहाँ पे अभी मैं दोनों गेट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं अभी दोनों गेट लगाऊँ या फिर एक ही लगा दूँ, ताकि
रूम के अंदर गेट लग जाए। मैं सोच रहा हूँ कि दोनों लगूँ या एक ही लगा दूँ, एक बेटर ऑप्शन रहेगा या फिर दो। देखता हूँ, अभी तो एक ही लगा देता हूँ, बाद में देखूँगा और मिल लेंगे तो। और गाइस ये क्या आवाज़ थी? ये गाइस सच में बहुत स्केरी आवाज़ है, मुझे बहुत डरा दी ये आवाज़। क्यों? मुझे लग रहा है यहाँ पे आसपास कोई जोम्बीज ना हो। अगर जोम्बी वगैरह हुआ तो मैं तो गया भाई। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, मैंने गेट लगा दिया। तो अपन चलते हैं वापस ऊपर, और ऊपर की तरफ भी अपन ये गेट लगा देंगे। नहीं गाइस यार, मैं दोनों साइड गेट लगा देता हूँ, दोनों साइड बेटर ऑप्शन रहेगा। हाँ मैं दोनों साइड ही गेट लगाऊंगा, क्योंकि और भी बना लेंगे अपन गेट, क्योंकि वुड वुड तो आसपास पेड़ बहुत है, पेड़ बहुत है तो वुड बहुत है, वुड बहुत है तो गेट भी बहुत बन जाएंगे। तो बस बन गया अपना, तो ऐसे अपन वापस चलते हैं ऊपर। तो ये मेरा गेट खुल भी रहा है, बंद भी हो रहा है, तो ये तो हो गई ही। तो अपन चलते हैं ऊपर। तो ऐसे यहाँ पे मैं ऊपर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं सो जाता हूँ। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना, मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।